नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडी द किरचॉफ करंट लॉ, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द algebraic sum of all voltages, कौन-कौन से वोल्टेज, that is सोर्स वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स, ओके, इन अ क्लोज सर्किट, इन अ closed circuit is equal to zero, ठीक है। तो definition क्या कह रही है? The Kirchhoff voltage law states that the algebraic sum of all the voltages, मतलब जो भी voltage होगी किसी भी एक closed circuit में, जितने भी voltages होंगे वो source voltage जो हम apply कर रहे हैं या फिर हमारे voltage drops है जो क्रॉस रेजिस्टेंस हो रहे हैं, उन सब का सम क्या होगा? हमारा जीरो के इक्वल होगा। ये हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन कहती है। अब सर्किट बना लेते हैं, एक क्लोज सर्किट, रेजिस्टेंस बनाए हमने, ठीक है, रफली बनाए थोड़े। ये हमारी क्या है? सोर्स वोल्टेज, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, ये हमारा करंट है, करंट सेम रहेगा सीरीज में बिल्कुल रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? हमारा वोल्टेज ड्रॉप्स, सबके क्रॉस डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप्स होगा, ठीक है, सेम नहीं होगा, सीरीज में डिफरेंट होता है वोल्टेज ड्रॉप। V1, V2 एंड V3, ये क्या हमारे तीनों वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, ठीक है, करंट हो गया, ओके। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है हमारा जो वोल्टेज लो है, किरचॉफ वोल्टेज लो, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, मतलब सोर्स वोल्टेज ये हमारी और क्या है वोल्टेज ड्रॉप्स, क्या V1, V2, V3, इन सब का सम क्या होगा? हमारा जीरो के इक्वल होगा। अब मैं आपको इरेज कर देता हूँ ये ऊपर वाली डेफिनेशन, फिर बताता हूँ इसकी इक्वेशन कैसे है, ठीक है, ओके, डेफिनेशन हो गई है, ठीक है, इक्वेशन बताता हूँ आपको किरचॉफ वोल्टेज लो की फ्रॉम द इन द गिवन सर्किट। क्या क्या है इसमें? देयर इज रेजिस्टेंसेस R1, R2 इन द गिवन सर्किट, रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं? R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स V, ठीक है। तो ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं हमारे सर्किट में, एक क्लोज सर्किट जो किसके साथ कनेक्ट है? हमारे वोल्टेज सोर्स V के साथ, ठीक है। इसमें क्या है? थ्री वोल्टेज ड्रॉप्स है, V1, V2 एंड V3 अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स हुए हैं। तो हमें क्या है, हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? वोल्टेज नाम से पता चल रहा है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो। हम देखते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, मैं यहां से लिख देता हूं। तो दोस्तों हमारा हो गया इरेज, ठीक है, अब देखते हैं इक्वेशन है। हमें क्या देखना है? सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज, सबसे पहले क्या लेते हैं? सोर्स वोल्टेज V, फिर लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप्स होगा तो माइनस में होगा, ठीक है, क्यों होगा माइनस में? क्यों? हर के अक्रॉस हमारा डिफरेंस होता जाएगा, V1 प्लस में V2 V3 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, V1 V2 V3 इज इक्वल टू जीरो, जो माइनस वाले हमको उस तरफ ले जाते हैं वोल्टेज को, V1 प्लस V2 इस तरफ प्लस में जाएंगे ना V3, तो वोल्टेज ड्रॉप ये प्रूव करता है कि तुम्हारा जो सोर्स वोल्टेज है वो हमारी ऑल दी वोल्टेज ड्रॉप्स के इक्वल है, ये हमारा प्रूव हो चुका है ड्रॉप, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इट स्टेट्स दैट ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस इज इक्वल टू जीरो, सारी वोल्टेजेस का सम हमने जीरो के इक्वल कर लिया। जब हम
नेगेटिव वोल्टेज को पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरी तरफ ले गए तो हमारे क्या हुआ, सोर्स वोल्टेज हमारी वोल्टेज ड्रॉप्स के इक्वल आ गई। तो ये हमारा प्रूव हुआ है इस इक्वेशन से कि जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप्स होगी वो किसके इक्वल होंगी, सोर्स वोल्टेज के तो इक्वल होंगी, सोर्स वोल्टेज तो हमारा सारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो भी डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, पर सोर्स वोल्टेज भी तभी तो हुआ ही सब कुछ, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये स्टेट करता है हमारा, ये हमारा क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एलिमेंट्स क्लासेस चैनल है, पढ़िए और पढ़ाइए, ठीक है। और अगर आपको जो मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के नीचे, वहाँ से पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे आपको, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। और वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू।